चुनाव की घोषणा से पहले मोदी राहुल पूरा देश घूमे, पीएम ने 501 और राहुल ने कवर की 358 लोकसभा सीटें। 100 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में तमाम पार्टियों के दिग्गज अपनी जोर आजमाइश में लग गए हैं। वहीं रैलियों के जरिए सभी ने अपनी ताकत दिखाई, इसके साथ ही तमाम दावे और वादे भी पार्टियों ने किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए और कांग्रेस के इंडिया के बीच लड़ाई का मैदान सज गया है। चुनावी ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल लगभग पूरा देश घूम चुके हैं। देश के 543 लोकसभा सीटों में पीएम मोदी 501 और राहुल 358 सीटें कवर कर चुके हैं। पिछले 2 महीने के दौरान पीएम मोदी 17 राज्यों में गए हैं। वो 5-5 बार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, 4 बार केरल, 3-3 बार बंगाल और गुजरात, 2-2 बार बिहार, असम, उड़ीसा, हरियाणा और राजस्थान, 1 बार आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर गए। इस दौरान पीएम मोदी ने 501 सीटें कवर की। तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ 63 दिन में 6,700 किलोमीटर का सफर तय किया। उन्होंने 14 जनवरी को मणिपुर से न्याय यात्रा शुरू की थी। इसके बाद वो नागालैंड, असम, अरुणाचल, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र गए। इन राज्यों में लोकसभा की 358 सीटें हैं। वहीं एनडीए और इंडिया ने पार्टियों के साथ गठबंधन भी किए। कई राज्यों में दोनों ने ही दूसरे दलों का सहारा लिया है। देश में 5 राज्यों की 228 सीटें ऐसी हैं जहां एनडीए और इंडिया सामने है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैं। इनमें 2 राज्यों में 1 और बाकी में 4 से 7 चरणों में चुनाव होगा, यानी नेताओं को जोर आजमाइश का पूरा मौका मिलेगा। वहीं बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल वैसे तो इंडिया में है, लेकिन राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है। उसके सामने भाजपा और कांग्रेस वाम दल है। यूपी में पहली बार सपा कांग्रेस लोकसभा चुनाव में साथ में है। बिहार में पिछले लोकसभा विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रही जदयू राजद के साथ सरकार चलाने के बाद फिर एनडीए में जुड़ गई है। आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 फेज में होंगे। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू। 7 फेज में 543 सीटों के लिए चुनाव होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगे। वहीं लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में 1 फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।